गुड मॉर्निंग। जस्ट एक मैं बिल्कुल अभी अभी आया और बाइक से ही मुझे एकदम से नीचे उतरना पड़ा सिर्फ इस वंदे भारत के लिए। जस्ट अभी अराइव हो रही है, हाई राइज पेंटो के साथ में है, इसके भी आपको सिग्निफिकेंस शाम को बताएंगे। सो अपनी वंदे भारत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोचेस की ये वंदे भारत होगी टोटल, ठीक है। सो करेंटली आई एम एट देहरादून रेलवे स्टेशन और वंदे भारत का यहाँ पर अराइव होना एक अपने आप में कह सकते हैं अचीवमेंट हो सकती है, बट स्टिल इस पर जर्नी करना और इसको फिर बाद में अपने हिसाब से एक मैं चाहूँगा कि एक अचीवमेंट कहना और बाद में इसका फीडबैक देना यह भी बाकी है। तो वंदे भारत का देहरादून में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। ये लीजिए 16 कोच की साइडिंग में वंदे भारत कितनी आसानी से फिट हो जाती है, दैट्स ऑल। चलिए इसका थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम क्लोज़र लुक लें, बाकी आगे देखते हैं। सो हेलो, गुड आफ्टरनून फॉक्स, इट्स ऑलमोस्ट 12:20 मतलब 12:20 यहाँ पर हो रहे हैं। सो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। वंदे भारत का अराइवल में हमने आपको दिखाया ही था, अब बधाई हो देहरादून वासियों को और उत्तराखंड वासियों को कि आपको पहली वंदे भारत मिल चुकी है। रेस्ट अभी हम चलते हैं ज़रा देहरादून स्टेशन की तरफ में। हुआ ये है कि कल वंदे भारत आई है और अप्रॉक्सीमेटली उसका 9:30 या 10 बजे के, हाँ सॉरी 10 बजे के अराउंड में उसका अराइवल हुआ है। अराइवल होने के बाद उसका यहाँ पर एक छोटा सा वार्म वेलकम किया बाय स्टाफ और उसके बाद उसकी आगे की प्रोसीडिंग शुरू हुई और 11 बजे से उसका ट्रायल शुरू हुआ। तो अभी मैं आ गया हूँ देहरादून रेलवे स्टेशन पर, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं ऑलरेडी। गुड थिंग इज़ ये काफ़ी ज़्यादा सही प्रॉस्पेक्ट यहाँ पर देखे जा रहे हैं। अब देखिए कि उस साइड में सारे टेंट्स वगैरह प्रिपरेशन हो रही है, एक जीएम कोच और उसके आगे एक महाराजा कोच, महाराजा एक्सप्रेस का कोच उसमें लगा हुआ है। और ये अगर आप देख सकते हैं इधर कुछ लोकोमोटिव्स खड़े हैं और जो मेरे ठीक सामने आप जो दो साइडिंग देख सकते हैं वो साइडिंग पहले डीजल हुआ करती थी लेकिन वो अब इलेक्ट्रिफाइड कर दी है ड्यू टू वंदे भारत, क्योंकि वंदे भारत के लिए आपको इलेक्ट्रिफाइड रूट सारा चाहिए होगा। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि अब उनको भी इलेक्ट्रिफाई कर दिया। बाकी वंदे भारत अब देहरादून से चल रही है तो सही है, बट 8 कोचेस की वंदे भारत और आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन की दिक्कत लगातार इस तरह से आती जा रही है, उसके बावजूद भी आपको 8 कोचेस की वंदे भारत चलाने में देखते हैं आप आगे आपकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, उस हिसाब से आपको ट्रिप रिपोर्ट दी जाएगी। और इवेंचुअली अगर एडिशन में आपको कहूँ तो मोस्ट प्रोबेबली एज सून एज पॉसिबल वंदे भारत में हम भी एक जर्नी करेंगे, तो उस जर्नी में आपको ट्रिप डिटेल, अपनी जर्नी का रिव्यू वगैरह सब देंगे। बाकी इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में देहरादून में अब तक का फीडबैक कुछ खास नहीं रहा है और ख़ास ना होने के कई ऐसे चांसेस हैं, कई ऐसे रीजंस हैं जो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिफिकेशन देहरादून या उत्तराखंड के सभी जो जगह हैं जो जहाँ पर स्टेशन है कोटद्वार काठगोदाम वगैरह इन सब में इलेक्ट्रिफिकेशन उतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब वंदे भारत की हम बात करते हैं तो वंदे भारत कल 8 कोचर की वंदे भारत आई है। सबसे पहली बात, जब देहरादून पर 16 कोचर की वंदे भारत
की जगह है, तो आप 8 कोच से क्यों आप चला रहे हैं? जाहिर सी बात है, अगर उसका पेट्रोल बढ़ेगा तो बाद में आप लोग उसको बढ़ाएंगे, कोचेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन बट स्टिल आपने उसको पुराना रैक भी क्यों दिया? वंदे भारत जो चला रहे हैं, आपको टारगेट पूरे करने हैं, वो आपकी बात अलग है, वंदे भारत चलाने के आपके टारगेट्स हैं, लेकिन उसको इतना जल्दी जल्दी करके आपको उसके टारगेट भी पूरे नहीं करने चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब बारिश में आप लोगों को देहरादून आने में, इलेक्ट्रिक लोगों को चढ़ाने में दिक्कत होती है, तो आप वंदे भारत क्यों लेके आ रहे हैं? सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसमें फैसिलिटी है, वंदे भारत से ज़्यादा फैसिलिटी आपको शताब्दी में मिल जाती है। शताब्दी की फैसिलिटी या वंदे भारत की फैसिलिटी में काफ़ी हद तक फ़र्क भी है, जो कि मैंने खुद नोटिस किया है। तो दीज ऑल द थिंग्स, मैं इस बारे में संडे में एक लाइव सेशन रखूँगा, और संडे में लाइव सेशन में मैं बताऊँगा कि कैसे डिफरेंस हो सकता है। अभी वंदे भारत यहाँ पर आ चुकी है, और अभी हम लोग चलते हैं कल के इनॉग्रल के लिए, वहाँ पर आपको रिपोर्ट देंगे। थैंक यू।